हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे बताएंगे ओप्पो को अनलॉक कैसे कर सकते हो। अगर ओप्पो फोन में लॉक लगा हुआ तो आप अपने फोन को अनलॉक कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो से रिलेटिव कोई भी फोन का मॉडल क्यों ना हो दोस्तों, मात्र ओप्पो का मॉडल क्यों ना हो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा। ओप्पो का कोई भी हैंडसेट हो फोन आपके पास, अगर आपके पास फ़ोन में लॉक लग गया तो आप अपने फ़ोन को अनलॉक कैसे करोगे, यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रिक लाया हूँ, छोटा सा वीडियो लाया हूँ दोस्तों। उस ट्रिक से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो विदाउट डाटा लॉस। जी हाँ दोस्तों, आपका जितना फ़ोन में डाटा रहेगा, जितना फ़ोन में गैलरी में जो फोटो रहेगा, वीडियो रहेगा, अदर्स कुछ भी रहेगा भाई, ये आपका कुछ क्लियर होगा नहीं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ 100% यहाँ पे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो बहुत ही इजी तरीका से। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमें सब्सक्राइब जरूर कर दें, अब बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सपोर्ट जरूर कर दें दोस्तों। अगर कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप बताऊँगा, उस स्टेप को आपको फॉलो करना। जी हाँ दोस्तों, पहले यहाँ पे देखिएगा जो फ़ोन में मेमोरी होगा, सिम कार्ड होगा, सब आपको निकाल लेना, जिसके मैंने निकाल के फ्लाइट मोड कर दिया। जैसे फ्लाइट मोड करने का एक ही है दोस्तों, जो आपका फ़ोन लैग ज़्यादा नहीं करेगा, जो सिम होगा वो सिम में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले यहाँ पे देखेंगे मेरे पास पिन लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, आपके फ़ोन में पैटर्न लगा होगा, या किसी और के फ़ोन में पिन कोड क्यों नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं, मात्र इमरजेंसी कॉल पे जाइएगा। इमरजेंसी कॉल पे आते ही दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इमरजेंसी कॉल ओनली। इमरजेंसी कॉल ओनली का मतलब तो समझते ही होंगे दोस्तों, इमरजेंसी में किसी को फ़ोन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी में किसी को कॉल करने का, यानी कि पुलिस को कर सकते हो, एम्बुलेंस को, अदर्स को नहीं कर सकते, जिसके आप अपने फ्रेंड को कॉल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं एक कोड दूंगा जो इस सीज़न का कोड है, जो जून सीज़न का कोड है दोस्तों। यहाँ पे जून सीज़न का कोड है, यहाँ पे मैं डालता हूँ *899065321459#। ये कोड को आपको कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट करके ये ले लेना। इस कोड को ओपन करते फिर यहाँ पे इस कोड को 5 टाइम कॉल करना, 1 2 3 4 5, एंड देन इसको कॉल करने के बाद इसको कोड को हटा लेना। इस कोड को हटाने के बाद यहाँ पे एक इंजीनियर मोड का फाइल ओपन होता है, वो कोड दूंगा आपको, *899# डालिएगा ना, यहाँ पे इंजीनियर मोड का फाइल ओपन हो जाएगा, जिसकी मेरा यहाँ पे इंजीनियर मोड का फाइल ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे भी मैनुअल टेस्ट पे जाइएगा सेकंड नंबर पे, फिर से एक बार स्कोर कीजिएगा, फिर सेंसर सेफ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे हमारा 2 सेंसर है, अगर आपका फ़ोन के मॉडल के हिसाब से अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंसर को स्टार्ट करना, दोनों में से किसी एक सेंसर को पास होना जरूरी रहता है, जैसे कि कभी कभी दोनों भी फेल हो जाए पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ट्राई अगेन करते हैं फिर से, लेकिन दोनों को एक बार पास होना जरूरी रहता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ फिर फेल हो गया दोस्तों, फिर एक बार आओगे यहाँ पे चेक करेंगे, फिर दोनों का स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसे ट्राई करते रहें दोस्तों, 3 4 5 कितना भी सेंसर होगा एक सेंसर पास हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये पास हो जाएगा दोस्तों आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे, फिर यहाँ पे जी सेंसर खोजेंगे, जी सेंसर यहाँ हमारा है, यहाँ पे जी सेंसर को क्लिक करेंगे, यहाँ मात्र 3 सेकंड रुकना है, 1 2 3, एंड देन 3 बार रुकने के बाद यहाँ पे बैक करेंगे, फिर बैक करेंगे, फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे जो अदर्स होगा। अदर्स पर जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे की स्टेटस में, अगर आपका गूगल की आपका पास हो गया तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा 100%। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे डाटा बेस वर्जन पे मात्र 3 टाइम कॉल क्लिक करना, 1 2 3, एंड देन फिर यहाँ पे रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंटर को चेक करेंगे, यहाँ पे अगर पास होगा दोस्तों आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे आपका फ़ोन अनलॉक हो गया, मात्र 3 टाइम बैक करेंगे आपका फ़ोन अनलॉक हो गया। जैसे कि यहाँ मेरा जितना जो ऐप डाउनलोड कर रखा वो विदाउट डाटा लॉस, यानी विदाउट डाटा क्लियर होते हुए अब मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। बस ये वीडियो यहीं तक रहा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे दोस्तों। मैं ऐसा यूनिक वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।